साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाम तक दिया लिखवाऊंगा, मैं तेरा बढ़ जाऊंगा, मैं तेरा बढ़ जाऊंगा, सौरभ की कसम पार्टी में नर्सेंडी गाइस, फाइनली आई एम बैक, आई रिकवर्ड माइसेल्फ विद माय इंजरी। और बहुत सारे लोग मन में उनके सवाल होगा कि सर कहाँ चले गए, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े आप लोगों के, लेट मी टेल यू आई मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट। मैं एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मेरे नी में प्रॉब्लम आ रही थी, माय लिगामेंट वाज हर्ट वेरी बैड, मेरा लिगामेंट टियर हो चुका था एक्चुअली। और इसके बारे में आपको अमन पुरोत्तरा ने जरूर बताया हुआ। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड हिज चैनल तो प्लीज जाइए उसका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वो भी बहुत टैलेंटेड गिटारिस्ट है आप लोगों की तरह, उसने भी बिगिनर से स्टार्ट किया था। आई रियली वॉच हिम ग्रो एंड आई फील रियली हैप्पी कि चलो यार अपनी कम्युनिटी में कोई बंदा है जो ग्रो कर रहा है ना, ठीक है ना। तो प्लीज आप जाइए उसका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो गाना हम करने वाले दोस्तों, गाना है मैं तेरा बन जाऊंगा फ्रॉम कबीर सिंह, और विश मी लक कि अब इसके बाद ये सिलसिला जारी रहे गानों का, लेसन्स का। आई विल ट्राई कि मैं गिटार क्लासेस को जल्दी खत्म करूँ जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको प्रोडक्शन क्लासेस भी देनी है, म्यूजिक प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स भी सिखाऊंगा, राइट दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीखते इस गाने को ओनली ऑन कॉस्टिक पार्टी। कमिंग अप नेक्स्ट, दोस्तों सर्च कीजिए मेरा चैनल कॉस्टिक पहाड़ी, उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते इस बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, जब ये बेल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको, तब आपको मेरी वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलते से कॉर्ड सेक्शन में, केवल 3 कॉर्ड्स में ये पूरा गाना खत्म है, बहुत सिंपल कॉर्ड्स हैं। आपको लगाना है केपो 4th फ्रेट पे, और मैंने ओरिजिनल स्केल पे ही गाया है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉर्ड आपका रहेगा केपो 4th फ्रेट जी कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। पहला कॉर्ड आपका जी कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड आपका रहेगा सी एड 9, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सी एड 9 नहीं बजाना तो आप सी बजा सकते हो नॉर्मल ऐसा, ठीक है। और लास्ट कॉर्ड आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका ई माइनस 7, ये। और अगर आपको ई माइनस 7 नहीं बजाना तो आप नॉर्मल ई माइनर बजा सकते हो ये वाला, राइट दोस्तों। तो ये था आपका कॉर्ड सेक्शन दोस्तों। इसका स्ट्रमिंग पैटर्न हम देख लेते हैं, स्ट्रमिंग पैटर्न इसका इस तरीके से है, डाउन 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 डाउन, ठीक है दोस्तों।
इस तरीके से इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है। इसको मैं थोड़ा स्लो डाउन स्पीड में करके देखता हूँ, आप स्क्रीन की हेल्प से भी देख सकते हो कि इसका स्ट्रमिंग पैटर्न क्या है। और स्लो देखो, राइट, दोबारा देखो, उसके बाद ये आप दो पार्ट में ले सकते हो, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, कंबाइन करके आप बजाओगे तो इस तरीके से बजेगा। स्ट्रम पैटर्न बैठेगा। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि आप लोग काफी टाइम से वीडियो का वेट कर रहे थे, ये मैं जानता हूं। आप लोग मेरा भी वेट कर रहे थे, वीडियो भी वेट कर रहे थे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं अभी प्रोडक्शन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे मेरी गिटार की सीरीज खत्म होगी, जैसे मेरे गिटार के लेक्चर्स और मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद मैं प्रोडक्शन क्लास लेके आऊंगा बिगिनर लेवल के लिए FL स्टूडियो, आपको सिखाऊंगा गाना किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। और दूसरी चीज, एक और बात है कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा था सर अपने सेटअप के बारे में आपको बताना है, तो एक मैं फाइनली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा बाद में, फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसके बारे में आपको गियर के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आपको गिटार रिकॉर्ड करना है, कौन सा माइक लेना है, वोकल के लिए कौन सा माइक लेना है, गिटार के लिए कौन सा माइक लेना है। वैसे मैं एक यूज़ करता हूँ, वो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा पूरे गियर के बारे में, पूरे इक्विपमेंट के बारे में आप किस तरीके से गाना रिकॉर्ड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, गिटार से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है आप जरूर पूछिए। इंस्टाग्राम ID is acoustic_party। फेसबुक भी जाइए, मेरे पेज acoustic_party को सर्च कीजिए और उसे लाइक करना
ना भूलिएगा। फिर भी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।